पहले लड़के का फरन फिर बंदूक की नोक पर, शादी अजीब प्रथा है, पकड़ हुआ विवाह। अनिवार्य परंपरा है विवाह। विवाह एक अनिवार्य परंपरा है जिसका जिक्र सभी धर्म के धर्म ग्रंथों में लिखा है। इंडियन वेडिंग में खूब होता है एंजॉयमेंट। हमारे देश में शादी की रस्में हफ्तों तक चलती है। सजावट, खान पान से लेकर कपड़ों तक शॉपिंग होती है जिसमें पूरा परिवार एंजॉय भी करता है। दुल्हा दुल्हन की मर्जी, कोर्ट के अनुसार हमारे देश में दुल्हा दुल्हन की मर्जी के बगैर शादी मान्य नहीं हो सकती। अपहरण कर शादी करने की परंपरा बिहार में पकड़ुआ विवाह नाम का रिवाज है जिसमें लड़कों का अपहरण कर अपनी बेटियों से जबरदस्ती शादी कराया जाता है। पढ़े लिखे लड़कों का होता है अपहरण। इस प्रथा की शुरुआत 1980 में बिहार में हुई थी जिसके अनुसार पढ़े लिखे और अच्छी नौकरी वाले लड़कों को किडनैप करके जबरदस्ती शादी करा दी जाती है। और क्यों होता है लड़कों का अपहरण? दरअसल सरकारी नौकरी वाले लड़के दहेज की डिमांड ज्यादा करते हैं। ऐसे में बिहार के दबंग लोग लड़कों का अपहरण करके अपनी बिटिया की शादी लड़के से करा देते हैं। क्या कहता है यह कानून? पिछले 43 सालों से यह परंपरा चली आ रही है, लेकिन हाल ही में पटना हाईकोर्ट ने इस प्रथा को गलत माना है और ऐसी एक शादी को रद्द भी किया है।